उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य में फिर सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। टीवी स्क्रीन पर आपके सामने ये 5 तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें मथुरा, झांसी, बलिया, गाजीपुर और अंबेडकर नगर की है, जहां पार्टी के नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। इन यात्राओं के जरिए केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। यात्रा की शुरुआत के दौरान सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। आज कोई व्यापारी और कोई हिंदू प्रदेश से प्लान नहीं करता है, आज प्लान होता है प्रदेश से पेशेवर अपराधी और माफियाओं का। भैया बहनों, ये वही धरती है, याद करिए, ब्रज की ये धरती जहां पर रज रज कण कण भगवान कृष्ण की लीला से भरी पड़ी है, राधे रानी की लीला से भरी पड़ी है, हमारे लिए तीर्थ है, पवित्र है भूमि। लेकिन पिछली सरकारों में क्या होता था, ये यही धरती है, कोसी कला का दंगा यहां का कोई व्यक्ति भोला नहीं होगा। कोसी कला में क्या होता था, जवाहर बाग में क्या होता था, पहले जवाहर बाग की घटना होती थी, कोसी कला का दंगा होता था, आपने देखा होगा। भाइयों बहनों, आप याद करिए, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर आज हमारी सरकार को 4.5 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, और 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई प्लान नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला बोला। न्यूज 18 से बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने से बाज आए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगीनाथ जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि उपयोगी हैं, लेकिन अखिलेश ने बड़ा वार किया है आप लोगों पर, कहा कि अनुपयोगी हो गए, कोई भी काम नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। देखिए, अखिलेश जी को जब देश और दुनिया की कोई जानकारी होती तो करते, एक योगी को पीएम मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी उपयोगी भी बनाई है, लेकिन योगी पेशेवर अपराधी, माफिया, भ्रष्टाचारी और सत्ता का सरपरस्त बनकर के प्रदेश में दंगा फसाद करने वालों के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। वे जिन पेशेवर माफिया और अपराधियों के घरों में बुलडोजर चले हैं, जिन भ्रष्टाचारियों की नकेल कसी गई है, तो उनके लिए तो मैं अनुपयोगी ही रहूंगा, क्योंकि उनके लूट खसोट को रोका तो गया है। तो ये अखिलेश जी की खिसियाट है, बाकी कुछ नहीं। वो कह रहे हैं कि आप लोग हार का डर है, इसी वजह से उनके नेताओं के यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़वाए जा रहे हैं। भाई, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि 200% से अधिक आय ये सपा मुखिया के परिवार का, ये तो कांग्रेस की सरकार ने जांच करवाई थी, ये बीजेपी की सरकार ने कहाँ जांच कराई। उस समय उनको कोसना उसी कांग्रेस ने कराई, जिस कांग्रेस को बिना मांगे समर्थन लोग दे रहे थे, तो किस मुंह से बात कर रहे हैं। अंतिम सवाल है, ओबीसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपना एक नेता चुनना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, वहां पर जो मुस्लिम होते हैं वो मुसलमानों के लिए नहीं बोलते। देखिए, ओबीसी उत्तर प्रदेश में कितने प्रभावी हो पाएंगे मुझे नहीं लगता है। बिहार में अगर उनका कार्ड सफल रहा तो ब्लैकमेलिंग हर जगह नहीं चल सकती है। हाँ, उनको प्रदेश के अंदर माहौल बिगाड़ने से बाज आना चाहिए। वे जो कुछ भी बोल दे रहे हैं और दंगा करवाने की फिराक में कभी सीए के समर्थन में बोलते हैं, कभी पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने की बात करते हैं, तो ये चीजें नहीं हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में लोग शांति और सौहार्द के साथ विकास की दिशा में बढ़े हैं, और मुझे लगता है ओबीसी को जनता की इन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में इस यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। हम समर्पित भाव से लोगों की सेवा करते हैं, सबका साथ। अभी पंकज जी कह रहे थे, कौशल जी कह रहे थे,
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये संभव है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में संभव है, बाकी और पार्टियों में कभी संभव नहीं है। ऊपर से उठाकर के देखो, जम्मू कश्मीर से शुरू करो, हर पार्टी वंशवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद से ग्रसित हो चुकी है। आप शुरू करो नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवारवाद की पार्टी, पीडीपी परिवारवाद की पार्टी, हरियाणा में आओ परिवारवाद की पार्टी, साउथ में जाओ परिवारवाद की पार्टी, बंगाल में जाओ परिवारवाद की पार्टी, उत्तर प्रदेश आओ तो परिवारवाद की पार्टी। मेरा बबुआ बाकी कोई नहीं और कोई नहीं, ये परिवारवाद की पार्टियां हैं और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये लेकर के चलते हैं। आजकल लोग नए नए लुभावने नारे लेकर के आ रहे हैं, क्या हम सपा का कुशासन भूल गए क्या? क्या आप माइनिंग के माफिया को भूल गए क्या? बताओ समाजवादी पार्टी में माइनिंग का माफिया था कि नहीं था? खनन का माफिया था कि नहीं था? गुर्दे घुमा करते थे कि नहीं घुमा करते थे? जेल, उनको जेल भेजने का काम योगी जी ने किया कि नहीं किया? और उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाने वाले जो यहां से छोड़ करके चले गए उनको भेजने का काम योगी जी ने किया कि नहीं किया? सफाई करनी कि नहीं करनी? ये सफाई सुशासन से आई, योगी जी के कारण आई, इस बात को हमको समझना चाहिए। मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजनीति जनता की आंखों में आंखें डालकर करनी चाहिए, उनसे नजरें चुराकर नहीं। उन्होंने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज हमारी जन विश्वास यात्रा उत्तर प्रदेश के 6 स्थानों से प्रारंभ हो रही है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि हमें राजनीति यदि करनी चाहिए तो राजनीति जनता से आंखें चुरा कर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करनी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डाल कर राजनीति करनी चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है। हमारा यह चरित्र रहा है और मैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भी चुनौती देता हूं, हमारी यदि कोई बात गलत हो तो उसका खंडन उनके द्वारा किया जाना चाहिए। यदि हमारी बात कोई गलत होगी तो उसके लिए मैं खेद भी व्यक्त करने को तैयार हूं, क्योंकि जनता से हम झूठ बोलकर हम जनता का समर्थन नहीं हासिल करना चाहते। यदि जनता का समर्थन हासिल करना चाहते हैं तो जनता का दिल और दिमाग जीत कर हम उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, यह हमारे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के बलिया में जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों की जमकर तारीफ की। आज हमारी जन विश्वास यात्रा का आरंभ हो रही है, विश्वास है मोदी में, और मोदी का मतलब भी बता देता हूँ। मोदी और योगी का मतलब, मोदी मतलब MODI, एम का मतलब मजबूत नेतृत्व है कि नहीं? मजबूत नेतृत्व, अरे जोर से बताओ, है कि नहीं? ओ का मतलब है ओजपूर्ण व्यक्तित्व, है कोई मोदी के मुकाबले? और डी का मतलब है दृढ़ निश्चयी, जो तय कर लेते ठान लेते वो करके दिखाते हैं, ये हम नहीं पूरी दुनिया कहती है। और आई का मतलब है ईश्वर का वरदान नरेंद्र मोदी, जो भारत का उद्धार करने आया है, ये मोदी का मतलब है। और योगी का मतलब, भाई का मतलब है योग, ऐसा योग प्रशासक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, बोलो सही है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, सही है कि नहीं? वो से है ओजस्वी, महाराज के चेहरे पे अलग ओज झलकता है, अपराधी बिलों में घुस गए पता ही नहीं चलता है, जेलों से बाहर निकलने के लिए सोचते। जी का मतलब है गतिशील,
दिन और रात काम करने वाला, और आई का मतलब है ईमानदार। रायबरेली पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 70 साल की बात करने वाले पहले ये बताएं कि उन्होंने साल साल में महिलाओं के सम्मान के लिए क्या किया। हमारे साथ प्रियंका गांधी जी हैं। प्रियंका गांधी जी, अभी करेंगे। प्रियंका जी, मैंने जैसा कि आपसे एक बार पूछा, जो राजनीति हो रही है और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, एक तरफ काशी कॉरिडोर, एक तरफ हिंदुत्व की बात, हिंदुओं की बात, दूसरी तरफ ओवैसी मुसलमानों की बात करते हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी क्या सोच रही है उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में? मैं बार बार जहां भी जाती हूं, मैं ये कहती हूं कि विकास के मुद्दे उठाइए, क्योंकि जितनी भी ये जो सांप्रदायिक राजनीति है और जो जातिवाद की राजनीति है, वो सब विभाजन करना चाहते हैं। वो ऐसे मुद्दे उठाना चाहते हैं जिसको उठाने से लोग असली मुद्दे ना उठाएं। बेसिकली ये बात है कि नेता आकर मंच पे कुछ भी भाषण दे सकता है, लेकिन उससे कभी ये ना पूछा जाए कि उसने किया क्या है जनता के लिए, विकास के लिए आपने किया क्या। अभी भी 70 साल की बात कर रहे हैं, 7 सालों में क्या किया भाई? कोई ऐसा बड़ा एम्स जैसा अस्पताल बनाया है? कोई IIT बनाई है? जनता त्रस्त है, किसान त्रस्त है, दलित त्रस्त है, महिला त्रस्त है, सब पर अत्याचार हो रहा है, कोई कमा नहीं पा रहा है, छोटे छोटे बिजनेस बंद हो गए हैं, दुकानें बंद हो गई हैं, आप बड़े बड़े हवाई जहाजों में 8,000 करोड़ के घूम रहे हैं। 21 तारीख को एक संवाद नारी के साथ रखा गया, आप कह रही थी कि आपकी कोशिश कामयाब होती दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए मोदी जी ने कब किया है महिलाओं का संवाद? कब किया? सोचिए, आप उनके फॉलो करते हैं, सोचिए कब किया है? 7 सालों में किया है? नहीं किया ना। 7 सालों में यही है, माताओं, बहनों, बेटियों, यही कहते हैं ना। क्यों, महिला का अस्तित्व नहीं है क्या? महिला और कुछ नहीं है, सिर्फ माता है, बेटी है, बहन है? क्यों, महिला का अपना अस्तित्व है ना, उसको कभी पहचाना है भाजपा ने? गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, उससे क्या महिला सशक्त होगी? गैस सिलेंडर से थोड़े से पैसे पकड़ा दिए, उससे सशक्त होगी? उसके लिए स्कूल बनाओ, उसको रोजगार दो, उसको आगे बढ़ाओ, उसको मजबूत बनाओ। उस पर अत्याचार होता है तो तुम्हारा प्रशासन बचाता है जो अपराधियों को, और तुम कह रहे हो कि तुम महिलाओं को सशक्त करोगे। पंजाब में ड्रग्स एक बड़ी समस्या रही है। हर विधानसभा चुनाव में ड्रग्स बड़ा चुनावी मुद्दा रहा, लेकिन इस बार भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद तरन तारण जिले के 11 गांवों के लिए इस बार ड्रग्स कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जिले में पड़ने वाले मनावा, कलंजा, दाऊदपुरा, कालिया, मस्तगढ़ समेत 11 गांवों को नशा मुक्त घोषित कर दिया गया है, और अब इन गांवों के लिए चुनावी मुद्दा ड्रग्स की जगह रोजगार, बिजली, पानी और सड़क है, जबकि पिछले चुनाव में ड्रग्स बड़ा चुनावी मुद्दा था। पंजाब में जो चुनावें आ रही हैं 2022 में, उसके लिए जो चुनावी मुद्दा है, हमारे गांवों का चुनावी मुद्दा जो नशा है वो हमारा अब नहीं रहा है। गांवों की समस्या है, डेवलपमेंट की समस्या है, और हमारे एरिए में कोई इंडस्ट्री की जो कमी है कि जो इंडस्ट्री होनी चाहिए, जो जितने जो बेरोजगारी है, जो इस चुनाव का मेन मुद्दा बेरोजगारी भी है। ड्रग्स का मुद्दा इस टाइम पर पंजाब में नहीं है, लेकिन एक ही इस टाइम पर मुद्दा कि हमारे ये युवा लोग हैं, ये हमारी कंट्रियाँ जो छोड़ के जो पढ़ लिख करके इंजीनियर बनते हैं और अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में सभी लोग ये भाग रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि इधर ही जो इंडस्ट्री है, जो भी सरकार है, सेंट्रल सरकार है, इन यूथों का, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, इनका फायदा हमारी कंट्रीज को ही होना चाहिए। उत्तराखंड के 3 जिले उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में शराबबंदी की मांग जोर पकड़ रही है। वो इसलिए क्योंकि यही वो 3 जिले हैं जहां पर 4 धाम हैं। इसके अलावा सिखों के पवित्र स्थल श्री रीठा साहिब और हेमकुंड साहिब भी इन्हीं जिलों में आते हैं, और इसलिए यहां रहने वाले लोगों ने 3 जिलों में शराबबंदी की मांग की है ताकि पवित्र तीर्थ स्थलों की गरिमा को ठेस ना पहुंचे। इसी मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने आ गई है। क्यों ये मांग उठ रही है शराबबंदी को लेकर? धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए और हमारे विचारों को रखने का मौका दिया है। सबसे पहले माई यमुना जी को प्रणाम करते हुए, शराबबंदी जो मदिरा पान है, ये हमारे देश में एक कोरोना के जैसे फैल रहा है, और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारा यूथ है वो काम नहीं कर पा रहा, उसका माइंड ब्लॉक हो जा रहा है, और आने वाले समय में जो मदिरा पान है ज़्यादा हमारे बुजुर्ग लोग भी लेते हैं, जो नीचे हैं बुजुर्ग लोग लेते हैं, वो भी हमारे देश का एक हिस्सा है, हमारे देश के ही लोग हैं, ये हम चाहते हैं कि बर्बादी के तौर पर ना जाएं, एक अच्छा भविष्य अपना करें और अच्छा भविष्य लेकर अपना एक फ्यूचर अच्छा बनाएं मजबूती के साथ। बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ के युवा हैं, इनका गलत मैसेज ना जाए आगे, इसलिए हम
इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए। तो मंदिरों के साथ साथ जैसे सिखों के भी यहाँ पर दो धार्मिक स्थान हैं, वहाँ पर भी तंबाकू बंद करने की वो मांग कर रहे हैं, शराब बंद करने की मांग कर रहे हैं। क्यों जरूरी हो जाता है कि खास तौर पे वो जगह जहाँ पर धाम है, जिनसे प्रदेश की पहचान है, वहाँ शराबबंदी? देखो मैडम, ये जो हमारे मठ मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारे हैं, ये हमारे आस्था के प्रतीक हैं और ये पवित्र स्थान है। कहीं ना कहीं हमारे हर हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर व्यक्ति के मन में ये होता है कि हमारे मठ मंदिर में जो है इस प्रकार की अभद्रता ना हो। शराब को राजस्व का साधन ना बनने दिया जाए और साथ साथ लेकिन अवैध रूप से शराब आए उस पर भी कड़ा प्रतिबंध लगे, हमेशा से इसी पक्ष सरकार का भी रहा और पार्टी का भी। और पर हम लगातार सत्ता में आएंगे तो शराब की दुकानों को संख्या को घटाएंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पिपराइट में चीनी मिल शुरू होने की वजह से वहां के किसानों की किस्मत बदल गई है। चीनी मिल शुरू होने की वजह से किसानों को दोहरा फायदा हो रहा है। पहला ये कि किसानों को गन्ना एक से दूसरी जगह ले जाना नहीं पड़ता है, जिससे आने जाने की लागत बचती है, और दूसरा ये कि राज्य सरकार ने गन्ने की कीमत 25 रुपए बढ़ा दी है। पहले किसानों को एक टन गन्ना बेचने पर 325 रुपए मिलते थे, वहीं अब एक टन गन्ना बेचने पर उन्हें 350 रुपए मिल रहे हैं। इसके अलावा पिपराइट का ये चीनी मिल भारत का पहला ऐसा मिल है जहां गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाया जाएगा। पहले गोरखपुर और कुशीनगर के बीच चीनी मिल नहीं होने से किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में सबसे अधिक गन्ने की खेती होती है, लेकिन गोरखपुर और कुशीनगर के बीच कोई चीनी मिल नहीं होने की वजह से किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज से कुछ माह पहले गोरखपुर और कुशीनगर के बीच इस पिपराई चीनी मिल बन जाने की वजह से किसानों को दोहरी फायदा हुआ है। एक तो दूसरे जगह जो वो गन्ना लेकर जाते थे उसमें उनको भाड़ा ज़्यादा लगता था, लेकिन अब यहाँ चीनी मिल खुल जाने की वजह से उनको भाड़ा बच जाता है और साथ ही राज्य सरकार की ओर से 25 रुपये गन्ने की कीमत और बढ़ा दी गई है। ऐसे में किसानों को काफ़ी फायदा हो रहा है और तस्वीरों में भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं यह पिपराई चीनी मिल है जहाँ पर अभी गन्ना अपना किसान लेकर यहाँ पहुँचे हैं और ये चीनी मिल चल रहा है जिससे चीनी भी बन रहा है और साथ ही उत्तर भारत का पहला ये चीनी मिल है जहां पर एथेनॉल भी तैयार होगा। तो ऐसे में किसानों को यहां पर काफ़ी फायदा हुआ है और ऐसे में जो आसपास के रहने वाले किसान हैं उनका साफ तौर पर यह मानना है कि इस चीनी मिल के बन जाने की वजह से उनको दोहरी फायदा हो रहा है। एक तरफ उनका भाड़ा बच रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो सरकार ने 25 रुपया और कीमत बढ़ा दी है उससे उनको काफ़ी फायदा हुआ है। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिला कपड़ों पर रंगाई करने वाले कारखानों के लिए मशहूर है, लेकिन अब इस जिले पर पहचान का संकट गहराने लगा है। वहां के कारीगरों का आरोप है कि सरकारी सुविधाओं के अभाव की वजह से उद्योग धंधे दूसरे शहरों में चले गए हैं, जिसकी वजह से वहां रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। समाजवादी पार्टी ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं बीजेपी ने फरुखाबाद की स्थिति के लिए राज्य की पिछली सरकारों पर ठीकरा फोड़ दिया। खूबसूरत स्टॉल और इसकी छपाई कभी फर्रुखाबाद की पहचान हुआ करते थे, लेकिन सरकारों के बेरुखी की वजह से आज ये उद्योग दूसरे प्रदेशों में शिफ्ट होते जा रहा है। मैं ऐसे ही एक कंपनी में हूँ, यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि तमाम सारे मजदूर पहले काम करते थे लेकिन अब कुछ ही लोग यहाँ बचे हैं। कभी इस पूरे उद्योग धंधे में फर्रुखाबाद का नाम होता था और साथ ही साथ पूरे देश भर में इस तरीके की छपाई के लिए फर्रुखाबाद जाना जाता था, लेकिन अब दूसरे प्रदेशों में शिफ्ट होने के कारण यहाँ पर रोजगार का भी एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है और आने वाली विधानसभा में सरकारों की इस बेरुखी की भी लोग तहकीकात करेंगे। लोग पूछेंगे सवाल कि आखिर ये छपाई उद्योग आखिर इतना कम कैसे हो गया और यहाँ पर जो रोजगार का संकट खड़ा हुआ है उसमें एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा बनने जा रहा है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अयोध्या में भी सियासी हलचल बढ़ गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं, तो वहीं संत समाज की तरफ से मांग उठ रही है कि अयोध्या से जो भी इस बार चुनाव लड़े वो भगवाधारी हो। दूसरी तरफ हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास खुद को अयोध्या की राजनीतिक गद्दी का दावेदार मान रहे हैं। हालांकि वेद प्रकाश गुप्ता अभी वहां से बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं, लेकिन बदले माहौल में संत समुदाय से जुड़े आदमी को टिकट देने की मांग उठ खड़ी हुई है। क्या छोटे क्या बड़े, संत के शरण में सब एक है। इसके नाते लोगों की जो मांग है, जो लोगों की इच्छा है कि अयोध्या से कोई संत ही लड़े, तो लड़ाना भी चाहिए और लड़ना भी चाहिए। जैसे नगर निगम का मैं चुनाव लड़ा था, किसी कारण से टिकट नहीं मिला, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय उत्तर प्रदेश एसएसपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, जिनके नेतृत्व में काम करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। अगर संगठन की इच्छा होगी तो उसमें हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यमुना को साफ और निर्मल बनाने का काम और तेज कर दिया है। नमामि गंगे योजना के तहत मथुरा वृंदावन में यमुना में गिरने वाले करीब 35 नालों में से 31 नालों को बंद कर दिया गया है। सरकार का दावा यह है कि मथुरा वृंदावन में यमुना गंदी ना हो, इसके लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। शहर का पानी यमुना में ना गिरे, इसके लिए करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। यमुना के घाटों पर कूड़ेदानों की अलग से व्यवस्था की गई है। शहर में रहने वाले साधु संतों का कहना है कि राज्य सरकार यमुना की सफाई में जुटी हुई है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यमुना साफ नहीं हो पा रही है। ये जहाँ तक बात है यमुना जी की दशा तो दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। पिछले कुंभ में बहुत प्रयास किया और जल भी खूब बढ़ा, लेकिन वर्तमान की स्थिति में जल में इतना भारी अभाव हुआ है, भारी कम जल है। और आशा समस्त ब्रजवासियों को और सनातन धर्मियों को है कि अगर ये सरकार अगर यमुना जी को सही नहीं कर पाई तो फिर तो लगता है हम लोगों को आशा तोड़नी पड़ेगी। यमुना शुद्धिकरण पर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 460 करोड़ से यमुना शुद्धिकरण पर हम लोग काम कर रहे हैं। मसानी पर हमारा जो प्लांट है वो 31 अक्टूबर 2021 से चालू हो चुका है। 35 नाले हैं, 35 में से 31 नाले पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। शेष जो नाले हैं उनको बहुत जल्दी बंद कर दिया जाएगा। तो यमुना का शुद्धिकरण सरकार की प्राथमिकता में है। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे का अवसर देखने को मिल रहा है कि उसके कार्यों में तेजी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये वृंदावन का नाला है, जो वृंदावन का जो नाला है जिसका पानी यमुना में गिरता है, जो यमुना को प्रदूषित करता है, अब इसको बंद कर दिया गया। और ऐसे करीब 20 से 25 नाले हैं मथुरा वृंदावन में जो अभी तक चिन्हित करके बंद किए जा चुके हैं। इनका पानी पहले यमुना में गिरता था, जो काफ़ी प्रदूषण फैलाता था यमुना के पानी में, और काफ़ी समय से आंदोलन चल रहा था कि ऐसे नालों को बंद किया जाए और जो एसटीपी है उसका नवीनीकरण करके, उसका उच्च स्तरीकृत करके उन कामों में तेजी लानी चाहिए। और वो असर अब काफ़ी हद तक देखने को मिल रहा है, क्योंकि मथुरा विधानसभा चुनावों में एक बड़ा मुद्दा यमुना की सफाई का जरूर बनेगा। यूपी की मेरठ का सोतीगंज बाजार पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बाजार में मौजूद दुकानों पर चोरी की गाड़ियां काटने और उन्हें बेचने के आरोप है, जिसे देखते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरे बाजार पर ताला लगवा दिया है। मार्केट एसोसिएशन का दावा है कि प्रशासन ने करीब 500 दुकानों को बंद कर दिया है, जिसका असर 5000 परिवारों पर पड़ रहा है। वहां काम करने वाले लोगों ने सरकार से दुकानें खोलने की मांग की है। वहीं बाजार बंद करने पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। इस मुद्दे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे के बहाने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लोगों को आतंकित करने और चुनाव के वक्त धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। नहीं देखिए, दो कारण साफ समझ में आते हैं, क्योंकि हमने अखिलेश जी की सरकार भी देखी है, उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार भी देखी है। एक तो उनका अपराधियों के साथ स्वाभाविक गठबंधन है। दूसरा क्या होता है कि यदि किसी अपराध के अंदर खासतौर से अल्पसंख्यक वर्ग है तो वो कार्रवाई करने से बचते हैं, नहीं करते हैं। और दुर्भाग्य ऐसा है कि जो मेरठ का जो अवैध काम था वाहनों के, चोरी के वाहनों के कटने का, इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के भी थे और अपराधी तो थे ही थे, तो इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की। रोज रोज नए नए जुमले घड़ने का काम जब से ये आए हैं 2014 से लेकर अब तक, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हो, इसके अलावा ये कोई काम नहीं कर रहे। अब चुनाव सर पर हैं,
तो ये सारे ऐसे काम करेंगे जिससे हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान अफगानिस्तान, तालिबान और हिंदू और मुसलमान, क्योंकि जब काम करने का लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है, विकास का कोई एजेंडा नहीं है, विकास का कोई काम नहीं है, तो इन्हीं बातों को लेके ये राजनीति करेंगे।